शुभ षष्ठी टू ऑल बेंगलीज, सारे बेंगाली लोगों को शुभ षष्ठी एंड शुभ सप्तमी। षष्ठी और सप्तमी दोनों दिन विश कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब ब्लॉग बना रही हूँ तब षष्ठी है और जब आप लोग देखोगे तब सप्तमी होगा। तो इसके लिए शुभ षष्ठी शुभ सप्तमी टू ऑल बेंगाली मेंबर्स ऑफ फैशन एंड फिनेरी फैमिली, और नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा बधाई आप सबको, सबके लिए जय माँ दुर्गा। देखो आज षष्ठी है ना, तो हमारी जो दुर्गा पूजा है वो आज से स्टार्ट हुई है षष्ठी के दिन से। तो स्पेशल खाना पीना तो रहेगा ही बंगालीज के लिए, दुर्गा पूजा यानी कि नए कपड़े। तो नई साड़ी मैं ऑलरेडी पहनी हुई हूँ और खूब सारा खाना पीना घूमना फिरना अच्छे से सजना संवरना, यही हमारे लिए दुर्गा पूजा का मतलब है। और यहाँ पे बन रही है पम्पकिन और आलू की सब्जी पूरी के साथ खाने के लिए, और चने दाल बन गई है, वो उधर डाइनिंग टेबल पर चली गई है चना दाल। और ये दोनों चीज़ अभी बन के तैयार हो रही है, मिल लो मैडम से, देखो रोज की तरह ही है। आप नमस्ते इतना ब्लरी क्यों आ रहा है? अच्छा लाइट कम है ना, उस तरह की सी है। और नमस्ते कर रही है, मैं कब से बोल रही, एक घंटे से बोल रही हूँ मम्मी साड़ी पहन लो, मम्मी नई साड़ी पहन लो, निकाल के भी रखी है लेकिन पहनने के लिए फुर्सत नहीं, उनकी भी गलती नहीं है। और इतना काम है ना, साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होता है। मैं तो अभी जस्ट किचन में आई हूँ, नहा वहा के साड़ी पहन के मम्मी को हेल्प करने के लिए आ गई हूँ। एनीवेज यू ऑल स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब टू फैशन एंड फाइनरी एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। हमारे घर में दुर्गा पूजा के दो दिन कंपलसरी पूरी बनती है, एक तो षष्ठी के दिन यानी कि आज का दिन और एक अष्टमी के दिन, दोनों दिन कंपलसरी है पूरी बनाते हैं। बहुत सारे बंगालीज हैं जो षष्ठी के दिन पूरी नहीं बनाते हैं, अष्टमी के दिन बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो षष्ठी के दिन बनाते हैं अष्टमी के दिन नहीं बनाते हैं, लेकिन हम लोग दो दिन बनाते ही है दुर्गा पूजा में पूरी। ऐसा है, क्यों बनाते हैं? चावल खाना नहीं चाहिए, मेरे को भूख लग रही है। पता है कितना बज रहा है आज, हम लोग हद से ज्यादा लेट हो गए खाना खाने के लिए। ये कोई टाइम ही नहीं है लंच करने का, 3 बज रहा है, लेकिन त्योहारों में होता है चलता है, स्पेशल डे पे थोड़ा इधर उधर हो जाता है, वरना 1-2 बजे के बीच में हम लोग लंच करते हैं एवरीडे। भूख लग रही है बहुत जोरों की, नींबी खा रही हूँ, नमक पाया, 3 बज रहा, सुबह से कुछ नहीं खा रही हूँ, सिर्फ लिक्विड पे हूँ। इंटरमिटेंट डाइट मेरा स्पेशल, उसी पे हुआ लग रही है भूख, तो थोड़ा मंचिंग कर रही हूँ। बहुत भूख लगी, अभी हम बैठेंगे खाना खाने। पता है ये देखो, ये जो साड़ी पहनी हूँ ना मैं, इसके साथ में ये ब्लाउज मुझे पहनना था, न्यू ब्लाउज है और 34 साइज का है ये ब्लाउज, लेकिन इतना ढीला है मुझे कि जिसका कोई हद नहीं। मम्मी ने बोला खाना वाना खा लो दूसरा ब्लाउज पहन के, फिर मैं इसको थोड़ा टाका लगा के ठीक करके देती हूँ, फिर शाम को पहनना। तो ये भी ब्लाउज नया ही है, लेकिन फिर भी एक दो बार पहनी हूँ मैं लेने के बाद। ये वाला जो है पिंक वाला, ये तो एकदम नया है। और ये देखो लंच प्लेटर लग गया है, षष्ठी स्पेशल दुर्गा पूजा षष्ठी स्पेशल लंच पूरी आलू कुमड़ो छक्का, यानी कि दिस इज़ वेरी फेमस विद पूरी कॉम्बो, बंगाली के लिए बहुत, मतलब बंगालीज को बहुत पसंद है पूरी के साथ में कुमड़ो छक्का, यानी कि पम्पकिन और आलू से बनी हुई ये सब्जी, ब्रिंजल फ्राई किया हुआ, ब्रिंजल है ये बैंगन फ्राई किया हुआ, और ये है चना दाल। तो पूरी का जो कॉम्बिनेशन है ना बंगालीज के लिए, चना दाल के साथ भी बहुत जाता है और इसके साथ भी बहुत जाता है, फ्राइड ब्रिंजल के साथ में और इसके साथ भी बहुत जाता है। हम तीनों के साथ में कॉम्बो बना के खाएंगे पूरी का। सो आई एम रियली वेरी हंग्री, खा लेते हैं अभी चना दाल। उसमें कोकोनट डाला है मम्मी ने, कोकोनट डाला है और ड्राई फ्रूट्स डाला है, काजू किशमिश डाला है चने दाल में, बहुत यम्मी। अरे दाल बहुत मस्त है। हाँ तम्मी खुश, मैं खुश, शुक्र है भगवान का पेट भरने के लिए, थैंक यू गॉड, और बना के खिलाने के लिए थैंक यू मम्मी। ये देखिए ये जो साड़ी मैंने पहना है ना, ये साड़ी और ये वाली साड़ी जो मम्मी पहनने वाली है आज, दोनों साड़ी न्यू हैं, लेकिन कल मैंने आप लोगों को जब शॉपिंग दिखा रही थी ये दोनों साड़ी मैंने नहीं दिखाया था, क्योंकि ये मेरे खुद के बुटीक का कलेक्शन है। अच्छा आप लोगों में से किसी ने पूछा था आप बुटीक में काम करते हो, किसी ब्लॉग के नीचे कॉमेंट में पूछा था, मैं किसी बुटीक में काम नहीं करती हूँ, बुटीक मेरे खुद का है, ऑनलाइन बुटीक चलाती हूँ मैं,
तो उसके बारे में शायद किसी ब्लॉग में मैंने बोला था, तो किसी ने कमेंट में पूछा था। तो ये भी बुटीक का ही कलेक्शन है, ये भी मेरे बुटीक का कलेक्शन है, जिस वजह से मैंने कल शॉपिंग के साथ में नहीं दिखाया था ये दोनों साड़ी, क्योंकि कल शॉपिंग में वही सब साड़ी मैंने दिखाया जो मैंने बाहर से खरीदा है, और ये दोनों तो खुद की कंपनी का है तो इसके लिए नहीं दिखाया। हेलो, अभी बोल रही ये वाला नहीं पहनूंगी जो बाहर से मंगाया था साड़ी, जो खरीदा है उसमें से एक ब्लू साड़ी है वो पहनेगी आज, ये कैंसल। माँ तुम भी ब्लू पहनोगी, मैंने भी ब्लू पहना है, माँ बेटी दोनों मैच हो जाएंगे, ब्लू ब्लू हो जाएंगे दोनों। अब हम बैठ के ब्लॉग एडिट करेंगे, दुर्गा पूजा शॉपिंग वाला जो ब्लॉग है वो एडिट करेंगे जो पंचमी के दिन बनाया था, उसके बाद वो अपलोडिंग पे डालूंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को मिलूंगी। ब्लॉग एडिटिंग कंप्लीट किया है, अभी जा रही हूँ बीनू के घर में। आफ्टरनून को मैडम ने एक बार कॉल किया था और अभी फिर से कॉल आया, दीदी कब आ रही हो? मैं बोली रुक जा 10 मिनट दे आती हूँ। एडिटिंग अभी जस्ट कंप्लीट किया, अब भाग के जाती हूँ। थोड़ा उधर जाके भी भले ही सोचती हूँ 10-15 मिनट बैठ के आऊँगी, लेकिन ऐसे गप्पे हम लोग मारने बैठ जाते हैं कि 1 घंटा निकल जाता है। और आज माँ दुर्गा के दर्शन के लिए भी जाना है, मम्मी मेरी सो रही है, 6 बज रहा है, मम्मी उठेगी पता नहीं कभी, फिर रेडी होके दुर्गा माँ के दर्शन के लिए आज हम लोग जाएंगे। माँ अब तो बिनुदे घर गए, कैमरा मेरे हाथ में, मेरी मम्मी इधर है, मेरी दीदी इधर है, एंड ये दीदी, और ये दीदी आते ही साड़ी चेंज कर लिया। हाँ दीदी ने साड़ी चेंज कर लिया। ये जो है ना बीनू की कजन दीदी है और फैशन डिजाइनर है, इनका बना हुआ ये ड्रेस है, इन्होंने बोला कि आप जरा पहनो, पहन के मुझे दिखाओ, सो मैंने ये पहन लिया। थोड़ा रेड कलर, ये देखो दूसरा वाला ड्रेस में मॉडल खड़ी है। ये देखो बहुत अच्छा लगा इनका, जो आपको छोड़ो मेरे को इतना सही लगा बहुत, आपको छोड़ो मुझे सही लगा। मेरे को सही वही पता है क्या, तो बहुत छोटी है हाँ ना आंटी, एक नंबर, सही गलत समझने के लिए तुझे पता है क्या। दूसरे ड्रेस में हाजिर है फैशन मॉडल। कितना प्यारा ड्रेस है ना, बहुत सही लगा मुझे, बहुत। मैंने ये वाला ट्राई नहीं किया है, ये वाला ड्रेस मुझे पहले वाले से भी ज्यादा चला, क्योंकि व्हाइट गोल्डन कॉम्बिनेशन है ना जो मेरा बहुत फेवरेट कॉम्बिनेशन है। मेरे को दोनों भी अच्छे लगे भाई, दोनों अच्छे है, पर ये वाला मुझे A few moments later. ब्लाउज सिला जा रहा है, वो ब्लाउज मम्मी टाका मार के देगी तो मैं पहनूंगी, एक बार दिया लेकिन फिर भी बहुत ढीला है, फिर दूसरे बार ये टाका मारा जा रहा है। पता है कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, 8 रात के। अब अभी भी मम्मी मेरी रेडी नहीं हुई है, मेरे ब्लाउज लेके पड़ी हुई है। देखो मैडम रेडी हो गई है, फिर मैं बोलूं नमस्ते, इनको आदत हो गई नमस्ते बोलने की। दुकान वाली की बच्ची को नमस्ते नमस्ते करके अभी आप लोगों को भी कर रही है नमस्ते। चलो अब डायरेक्टली मंडप में जाके मिलती हूँ, हाँ दुर्गा पूजा मंडप में। ये देखिए स्वामी नारायण मंदिर है, और मंदिर का जो प्रेमिसेस है वहाँ पर ये लोग हमारे बंगाली एसोसिएशन दुर्गा पूजा करते हैं, और ये है स्वामी नारायण मंदिर। मम्मी बोल रही है चल थोड़ा हम मंदिर से भगवान का दर्शन करके आते हैं, आरती चल रही है अंदर, तो हम अंदर जा रहे हैं। और यकीन मानेंगे हमारे एरिया में ये मंदिर है, लेकिन हम पहली बार इस मंदिर के अंदर आए, जबकि दुर्गा पूजा में हम हर साल यहाँ आते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर पता नहीं क्यों आज तक नहीं आए और आज ही आए। शायद ये इसीलिए कहते हैं भगवान हमारे सामने होते हुए भी जब तक उनकी चाहत ना हो तब तक हमें उनका दर्शन नहीं मिलता। हो गया स्वामीनारायण भगवान का दर्शन कर लिया हमने, इतना पास में रहते हैं हम, यहाँ हजार बार इस एरिया में चक्कर लगाते हैं लेकिन मंदिर में पहली बार आए, अजीब बात है ना। और स्वामीनारायण मंदिर के प्रेमिसेस में ये दुर्गा पूजा होती है, बंगालीज के दुर्गा पूजा है ये, और यहाँ हम हर साल आते हैं एवरी ईयर। आप लोग जो लोग स्टार्टिंग से हैं वो लोग तो देखते ही हैं, पिछले बार भी हम यहाँ आए थे। ये देखिए यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कुछ, वे लोग ना कोलकाता से आए हुए हैं कलेक्शंस लेके, साड़ी और कुर्ता के कलेक्शन। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा मालूम है, इनके पास ना कपल्स के लिए सेम मैचिंग कुर्ता और साड़ी है, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये देखिए धोती, देखिए कितने प्यारे प्यारे धोती है, कुर्ताज है, और सेम मैचिंग साड़ी भी है।
ये सब कोलकाता के कलेक्शन है। साड़ी हस्बैंड वाइफ के लिए कपल सेट है, ये साड़ी है और कुर्ता। मस्त है ना, बहुत सारे कपल सेट है इनके पास, बहुत सारे हैं। ये जो है ना सारे कपल सेट है रखा हुआ, ये देखिए। गमछा होता है ना, गमछा जो यूज करते हैं, ये बहुत चल रहा है आजकल कोलकाता में, बहुत चल रहा है, फैशन है वहाँ का। और इसकी साड़ी भी है और हस्बैंड के लिए कुर्ता, वाइफ के लिए साड़ी। एग्जैक्टली हमारे को पसंद है ना, मेरे साड़ी दिख रही है ना दुर्गा माँ, व्हाइट के ऊपर जो दुर्गा माँ है, सही दिखा रही हूँ? हाँ वो ये वाली साड़ी का कुर्ता, ये है साड़ी, वो वाइफ के लिए और ये हस्बैंड के लिए कुर्ता। मस्त है ना, भाली करे छे किंतु पीछे चले गए, सामने चले आज भी बहुत सुंदर है ना, ये वाला भी बहुत अच्छा लगा। देखिए कुर्ता कलर भी अच्छा है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ना 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 আপনি কেন শুধু শুধু পরিশ্রম করবেন? তো কাপড়টা ড্রেসটি যদি তো মনে হয় এই ফিলহাল আসবে, মানে মুঝে বহুত अच्छा लगता है हस्बैंड वाइफ अगर इस तरह साथ में रहने का, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर लाइव गरबा हो रहा है, सिंगर स्टेज पर गाना गा रही है और सब लोग गरबा डांस कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का जो पहला दिन था वो खत्म हुआ, यानी कि षष्ठी खत्म हुई, अभी सप्तमी है कल, और अब ये ब्लॉग भी खत्म होगा। मैं ये समोसा खा रही हूँ और ब्लॉग को खत्म कर रही हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें, फिर मिलूंगी आप लोगों को दूसरे ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।